नमस्कार, मैं आपका दोस्त कृष्ण भाई प्रजापति और आप देख रहे हैं केएम न्यूज। कल 14 जुलाई दिन रविवार को हाथरस में महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाई गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धारा सिंह प्रजापति जी ने भगवान दक्ष प्रजापति जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही समाज के बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। धारा सिंह प्रजापति जी जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए, उन्होंने समाज की हिस्सेदारी को लेकर, राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर, शिक्षा को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए और आगे उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज ये भगवान दक्ष जयंती के उसमें मनाया गया, मनाने वालों का बार बार धन्यवाद, क्योंकि जागृति के लिए समाज में एक जागृति है, चेतना है, उसके लिए प्रोग्राम होते रहते हैं और होने चाहिए। मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये बताया मैंने लोगों को कि अगर हमें हिंदुस्तान में हमारी हिस्सेदारी मिले कहीं ना कहीं, तब हम विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी, शैक्षिक हिस्सेदारी ये बहुत ज़रूरी है, वरना हम 78 साल पीछे हैं और पीछे जाएंगे। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है, मैं उस लड़ाई में इनका साथ चाहता हूँ, ये मेरे साथ है। एकता और अखंडता के कार्यक्रम होते हैं और जो है हमारे वंशज हैं भगवान दक्ष प्रजापति, जिनकी हम जन्म जयंती का समारोह यहाँ मना रहे हैं। इस कार्यक्रम से समाज की एकता और समाज की अखंडता बनी रहती है, समाज में सद्भावना का संदेश समाज में जाता है। तो मैं सभी देशवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सभी को अपने घर पर, अपने ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, जैसे भी जिसकी व्यवस्था है, स्व-व्यवस्था अनुसार इस कार्यक्रम को अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए।